हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करो और कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो। आज कंटिन्यू करेंगे हम अपना जो रिव्यू हम कर रहे थे एक पॉडकास्ट का, जिसमें कि श्वेता ने अपने द रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर में मोहक और ध्रुव राठी और मोहक मंगल को दोनों को बुलाया। जैसा कि मैं बताया था तीनों ही क्रिएटर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम के लिए। और आप कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका इफेक्ट सबसे बड़े सेंस में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स में ही दिखता है। जो सिंपल ट्वीट्स लिखेगा उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे, जो सबसे छोटी लाइन में चीजें बोली। और वो नहीं देखे जो यूट्यूब पे बड़े फेमस होते हैं कि इसने इसको जवाब दिया, क्या करारा जवाब दिया। और वो करारा जवाब क्या होता है, एक वन लाइनर होता है। उसमें कोई लॉजिक कोई फैक्ट्स नहीं होते, बस एक लाइन बोल दी और लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। ये तो थॉट पूरा का पूरा जो रियलिटी है, ह्यूमन रियलिटी, उसकी वन ऑफ द बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि लोगों को यू नो लाइक बहुत छोटे पैकेजेस में बड़ा धमाका चाहिए होता है, जबकि कोई भी मुद्दा अपने आप में सिंपल होता ही नहीं है। उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसके बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, और नुआंसेस में जाने का टाइम जनरली लोगों के पास नहीं होता। ह्यूमन रियलिटी इस तरीके से काम करती है, बट ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बीमारियां। क्योंकि भाई बिल्कुल सही बात है, द थिंग इज दैट ओनली ना, क्योंकि आपने क्रिटिकल थिंकिंग या इवन अपनी क्यूरियोसिटी टू मे बी लर्न समथिंग फ्रॉम एनी कॉन्वर्सेशन सस्पेंड कर दी फॉर द गेम ऑफ जीतने वाला। और जीतने वाला वही है वन और टू, नॉट इवन वन एंड टू, वन और टू। तो मैं भाड़ में गया, मैं बता रहा हूँ मैंने कितनी डिबेट देखी। सर बेन शपिरो डिबेट कर रहा है किसी, लेट्स जस्ट से लिबरल, यू नो, कुछ नहीं चल रहा, लोग बस चीखे पड़े हैं। जैसे वो बोलना शुरू हुआ लोग ओ, तो मतलब वो बोलना शुरू हुआ है अभी, यानी तुम नहीं सुनना चाह रहे वो क्या बोल रहा है, तुम हो रहे हो मेरा टीम वाला बोल रहा है, अब फटी किसी की, ये है भावना। सो लाइक पहली चीज द क्यूरियोसिटी टू लर्न सस्पेंडेड है। पर बेन शपिरो जनरली बहुत ज्यादा लॉजिकली साउंड होता है, कभी भी वो आई मीन मोस्टली कह रहा हूँ, जब वो किसी ऐसे किसी रिलीजियस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में जब वो आ जाता है, तब मैं उसके साथ उतना मोस्टली एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे समझ के हिसाब से उसका लॉजिक मुझे उतना साउंड नहीं लगता उन चीज़ों में। लेकिन जनरली उसका लॉजिक यू नो लाइक मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ में बहुत साउंड होता है, लॉजिकली यू नो लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगती है मुझे उसके आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, दूसरा उसके जो पॉइंट्स है ना, उन पे लोग नहीं कह रहे कि क्या पॉइंट मारा, वो उसकी बात करने की टोनालिटी, उसके एटीट्यूड, उसके बॉडी जो सही है, हाँ। उस पे कर रहे हैं कि अब वो जैसे खतरनाक बात बोला ना तो कहता है नो यू आर रॉन्ग, लोगों ने कहा यू नो यू आर रॉन्ग बोल दिया, समझ गए ना, ये ले ली नो यू आर रॉन्ग, यू आर एन इडियट। ये होता है, लेकिन यही अपने आप में ये अपने आप में एक पूरी चीज नहीं है, ये पार्ट ऑफ द पूरा नैरेटिव है। जो बेन की साइड के जो लोग होते हैं ना, ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग मोस्टली ऐसे हैं, एक पार्ट उनका इस तरीके से करता है रिएक्ट। और उस क्योंकि अगर वो जस्ट बंदा हवा होता ना, अगर वो जस्ट यू नो लाइक क्या कहेंगे, एक प्रिटेंड करने वाला एक बंदा होता, तो वो उतना ऊपर चढ़ नहीं पाता। वो इंटेलिजेंट है असली में, उसका उसके एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी अब तक की अचीवमेंट से पता चलता है, उसकी बात करने की हर चीज़ से पता चलता है। बट हाँ, उसका जो एक काफ़ी डोमिनेटिंग तरीका है, क्योंकि सुपर वेरी इंटेलिजेंट गाय है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो काउंटर कर रहा होता है पॉइंट्स को, तो हाँ उसमें एक परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट है। और पब्लिक का ह्यूमन नेचर है कि परफॉर्मेंस जब ज़बरदस्त आ रही होती है तो वो अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली अगर उनकी साइड से हो रही हो तो हाँ ऑफकोर्स पार्ट है, बट ये पूरी साइड ऐसी नहीं है। ये तो दोनों करते हैं। will get more applaud rather than anything that would prove the other's point wrong. I mean, in most cases, emotion will win over reason, right? Like, we are at a very good place then, right? That's the thing. Emotion and reason. इस स्पेसिफिक पॉइंट में आई रिमेंबर आई रेड एन आर्टिकल कि जैसे अब यूएस में जो लाइव डिबेट्स होते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, उसमें उधर रीजन के लिए दिमाग लगाना पड़ता है ना, ऑडियंस को बोला जाता है डिबेट से पहले कि तुम क्लैप नहीं कर सकते और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चुप नहीं रह सकते। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक इफ द
ऑडियंस इज रियली लाइक इमोशनल वी कनेक्टेड टू ईदर द कैंडिडेट वो चिल्लाने लग जाएंगे चार एंड दैट हैज एन इंपैक्ट कि जो टीवी ऑडियंस है वो कैसे परसीव करती डिबेट को मेक्स अ पॉइंट एंड देन द पीपल स्टार्ट क्लैपिंग देन वी थिंक एज एन ऑडियंस ओह इतना अच्छा पॉइंट है भीड़ वाला भी सो लाइक पीपल हैव बीन सेइंग कि अब यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोई ऑडियंस कभी भी नहीं होनी चाहिए सो दैट पीपल डोंट यूज इमोशन एज मच या बिल्कुल सही बात है ये भी बात सही टूल है भाई इमोशन पब्लिक को स्वे करने का देखो इसको जैसे मैंने किताब लिखी उसमें लिखा था मैंने कि इसको व्हाट टू थिंक कहते हैं हमारी न्यूज मुझे जैसे याद है मैं एकदम नाइक मैं देखता नहीं न्यूज बिल्कुल मैं टीवी भी नहीं था तो मैं बात कर रहा था दिल्ली में तुम्हारे नायक भाई के वो तो उधर मैं देख रहा टीवी चल रहा है और कर्ण गोस्वामी आज तक सब प्ले हो रहे थे दूसरे दूसरे टीवी पे ठीक है एंड दिल्ली में जो बाबर शॉप्स होती हैं उनके पास दुनिया का बेस्ट और मोस्ट एजुकेटिव अखबार होता है पंजाब केसरी अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में तो नीचे लिख कर आ रहा था ना इट वाज टेलिंग मी कि ये सोचो लाइक वो ये मुझे बता एंड आई वाज लाइक वाओ भाई ये मुझे ये नहीं बता रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है न्यूज क्या है कुछ भी वो बता रहा है अरे इसके न्यूज के बारे में तुम्हें क्या सोचना है हम ये बता रहे हैं ओपिनियन ओपिनियन होता है वो मैं कई बार से बात करता हूँ ओपिनियन और फैक्ट इनको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपरली न्यूज़ देखनी है तो एंड आई डोंट केयर भाई मुझे नहीं पता मैंने एनडीटीवी भी देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं देखा बट मैं इतना लिख के दे सकता हूँ टू अ ग्रेट डिग्री मुझे कुछ नहीं पता काफ़ी चैनल अब न्यूज़ यही हो गई है आई वुड से ऑल न्यूज़ इस वक्त अगेन मैं टीवी की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो स्क्रीन से आ रही है क्योंकि आई रीड आई मच रादर प्रेफर रीडिंग थिंग्स क्योंकि रीडिंग में मेरे को मैनिपुलेशन की चैनल्स कम हो गए कट हो गए किसी की मुझे आवाज सुनने नहीं पड़ रही परफॉर्मेंस में ग्राफिक्स मेरे आंखों के सामने डी 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 करके नहीं आ रहे एक बार-बार सबलिमिनली मेरे पास एक हैशटैग नहीं आ रहा जो मुझे बता रहा है यू नो एट द बैक ऑफ पर रीडिंग में भी क्लियरली आपको साइट्स मिल जाएंगे वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब लिबरल वो हैं और जैसे कि न्यूयॉर्क एक न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूयॉर्क पोस्ट आपको मिलेगा राइट साइड पे ठीक है ऐसे ही यूके में द सन है करके एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप प्रिंट ग्रुप में भी है वो लोग और ऑफ कोर्स टीवी न्यूज़ में भी है वो राइट पे है तो ये आपको ये बंटवारा आपको उधर भी दिख जाएगा सलोन अल्ट्रा लेफ्ट मैं खुद सोचने के लिए काबिल हूं भाई मैं सोच लूंगा मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को ये बताओ इंडियन सबसेट में तुम्हें जो लगता है हमारा इंडियन जो सोशल वो हो गई तुम्हारे उसके हिसाब से तुम्हें क्या चीजें हैं जिनकी वजह से तुम्हें लगता है कि पहली चीज वेयर डू यू पुट अभी तक क्रिटिकल थिंकिंग में इंडियन ऑडियंस को तुम क्योंकि तुम एज यूट्यूबर्स तुम लोग देखते हो यार बहुत कम व्हाट इज योर ऊपर ऊपर का ब्रॉड अब आने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे लेकिन अभी बहुत कम है पर्सनल जनरलाइज्ड ओपिनियन क्या लगता है वोट एज इन क्या 1 टू 10 के स्केल में यार तुम्हारा कॉमन ओपिनियन क्या होगा बहुत ही जनरल कि तुम क्योंकि इतने टाइम से तुम मैं से कह रहा हूँ क्योंकि एक चीज समझो दो यहाँ पे बात होती है वो होता है पॉलिटिकल वीडियो बनाना पॉलिटिकल वीडियो इज आल्सो तुम्हें एक पता है बनाते बनाते तुम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी तुम्हें पता भी नहीं है तुम वो भी थोड़ा सा पढ़ाई कर अनोइंगली सोशल साइकोलॉजी के ऊपर एक ग्रुप ऑफ पीपल है एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका तुम बिहेवियर देखते हो ग्रुप बिहेवियर बेसिकली फिर ऑब्वियसली तुम्हारा अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो उसने मैंने कहा सब्जेक्टिव है वो राइट और दूसरा तुम्हारा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी उनमें डेटा भी है सोशल बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर के अराउंड डेटा है तो वो सोशियोलॉजी के अंदर आ गया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा सर तुम लोगों को देखते हो ये सब चीज़ें जो भी चल रही जो भी मैं नहीं कह रहा नफरत सिर्फ अच्छाई और यू नो जो लोग तुम्हारे अंधे की तरह कह रहे हैं हाँ भाई जो भी तुम कहोगे वो सही है सबकी बात क्योंकि वो भी बैठे हैं भाई बहुत सारे जो यू नो लाइक हमारे टीम में उनको हटाओ लाइक तुम्हारा क्या लगता है कि किस जगह पे हमारी इंडियन सोशल थिंकिंग सारे बोल रहे हैं या वेयर इज दैट प्लेस वेयर यू थिंक इन योर माइंड हम कहां पे भी फंसे बाकी ऑडियंस के कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं अभी और क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं ब्लॉग्स में भी मैं अक्सर देखता हूं यू नो सरकास्टिक सरकास्टिक जोक्स होते हैं ना लोगों को समझ में नहीं आते जब तक उन्हें बिल्कुल ब्लेटेंटली बताना दिया जाए कि बिल्कुल हमने ये जोक मारा है इस तरह से मुझे लगता है सरकैज़म समझने की कैपेबिलिटी भी एक सेंस में कह सकते हो ये इंडिकेटर है इसका
ह्यूमर इज अ वेरी बिग इंडिकेटर एक्चुअल में ऑफ एनी पॉपुलेशन द अमाउंट ऑफ टॉलरेंस दे हैव टुवर्ड ह्यूमर बिकॉज ह्यूमर इज अ वेरी बिग सबसेट ऑफ फ्री स्पीच एक्चुअली तो वो एक्चुअल में इनडायरेक्टली बहुत तगड़ी अ लॉट ऑफ ट्रूथ हैज बीन सेड इन जेस्ट जो की बात है जो आप सामने से जितने भी आप ऐसे देखोगे ना अकबर बीरबल ऐसे ही साउथ में तेनाली रामन और वो विजयनगर के जो राजा थे फेमस उनका नाम क्या था अभी भूल रहा हूँ मैं तेनाली रामन और जो विजयनगर के राजा थे वो इनकी स्टोरीज फेमस हैं और ये लोग क्या कहते हैं इनका जो दरबार होता था तो दरबारी होते थे इनके दरबार में अब राजा को राजा वाला सीन ये है कि भाई अगर राजा का मूड ख़राब है तो और उसको आपने पिस ऑफ कर दिया और उसको मूड ख़राब कर दिया तो आपकी गर्दन भी कटवा सकता है चाहे आप जो मर्जी हो ठीक है अब उसका कॉन्सिक्वेंस भी होता था उस टाइम में इतना सिंपल भी नहीं था लेकिन ये हो सकने की पॉसिबिलिटी थी और फिर भी ये लोग मजाक में अपोज भी कर देते थे राजा को या फिर कई बार राजा को यू नो लाइक पिन डाउन भी कर देते थे अपने आर्गुमेंट के साथ अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे तो ये है ह्यूमर की पावर अपने से इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे को भी आप अपने इंटेलेक्ट के थ्रू अपने सच को सामने रख सकते हो ह्यूमर को यूज़ करके तो बहुत सही बात की है अच्छा इंडिया में ना जो ये कह रहे हैं कि कैसा लगता है कि ऑडियंस है इंडिया में बहुत ही एक्सट्रीम बिहेवियर वाले लोग मुझे लगता है कि हैं एक ही टाइम में एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग वाले इंडिविजुअल्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत लिबरल तरह की सोच रखते हैं लिबरल नॉट इन अ पॉलिटिकल सेंस बट लिबरल की वो आइडियाज़ को ग्रास्प कर सकते हैं बहुत ही वाइड रेंज के और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही काइंड ऑफ जिनका एक्सपोजर नहीं है मैं एक वर्ड देहाती यूज़ करना चाहता था लेकिन आई डोंट थिंक मुझे ऐसे यूज़ पेजोरेटिव के तौर पे यूज़ करना चाहिए बट उनका बहुत ही शैलो या फिर बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर एक तरह से किसी भी कंट्री की सोशल या कलेक्टिव इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है या आप कितने लेवल का यू नो मैं नहीं कहूँगा इंटेलिजेंस आई थिंक वो बहुत विद्वानी विज्ञानी हो गए बट एक वो करता है क्योंकि आप ब्रिटिश बहुत एक्चुअली राइट है अमेरिका में जो फ्री स्पीच के लिए इस वक्त करंटली तुम एक चीज नोटिस करोगे लड़ रहा है सबसे ज्यादा जो लेफ्टिस्ट वो कहते हैं क्योंकि लेफ्टिस्ट के अंदर वो कहते हैं ये कैंसिल कल्चर इनके अंदर है नोटिस करना और राइट वाले कहते हैं अरे कैंसिल क्यों कर रहे हो भाई बोलने दो ना जो भी ये बोलना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि राइट वाले तुम्हारे और फाइटिंग इन अमेरिका अगेंस्ट उल्टा राइट वाले फ्री स्पीच की फाइट कर रहे हैं साला ये है चुतिया पर जो जिंदगी का भाग्य की विडंबना जो है भाग्य की विडंबना ये आयरनी और यस बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल बर को देख लो यार वो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ हर कोई कहना चाहता है बट यू नो लाइक एक सामाजिक जो लेफ्ट का दबाव है समाज में बहुत ज़्यादा उसके डर से जो चीज़ें नहीं कह पाते वो कह देता है अपने कॉमेडी उसमें और कई बार उसका बहुत तगड़ा आपको रिएक्शन स्टेज पर देखने को मिल जाएगा एक कॉमेडियन अगर आप लोगों को नहीं पता एंड्रू शुल्ट्स नाम का एक कॉमेडियन न्यूयॉर्क बेस्ड मॉडर्न टाइम में आज के प्रेजेंटली जो आगे बंदा लेके जा रहा है कॉमेडी को उनमें से एक बहुत कहा जा सकता है कि यू नो लाइक फोर फ्रंट पे है वो बंदा और पूरी ऑफेंसिव कॉमेडी होती है पूरी जो मर्जी बकवासबाजी होती है जिसको बीसी कहते हैं तो और भाई सबसे ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी में भी बिलीव करने वाले अमेरिका में जो राइट विंग है QAnon से लेके तुम सबसे fucked up लेवल की भाई दिमाग ही उड़ जाए मजे में आ जाओ ऐसी सी कंस्पिरेसी थ्योरी तो आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट कंस्पिरेसी नहीं आई थिंक वो लोग राइट विंग नहीं है वो एक अलग ही सबसेट है हाँ ये हो सकता है कि कई बार उनके और राइट में ओवरलैप हो जाता हो लेकिन वो उनको वो आपको उन राइट में भी नहीं मिलेंगे देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक्सट्रीम नियो नाज़ीज़ हैं ठीक है कहने को उनको आप राइट के साथ यू नो लाइक उनको आप राइट पे डालते हो स्केल के बट राइट भी उनको सपोर्ट नहीं करता जो एक जनरल रिपब्लिकन बंदा होगा वो भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा और एटलीस्ट ओपनली तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा आपने उसके कैरियर को सुसाइड ना करना हो अगर तो ठीक है तो वो एक और उसमें भी जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं ना वो तो एक बिल्कुल ही अबैंडन्ड ग्रुप है जिसको कोई क्लेम नहीं करता अब आई डोंट नो उनकी कुछ चीज़ें शायद लैप जैसे फॉर एग्जांपल QAnon वाला बता रहा है QAnon काइंड ऑफ ट्रंप सपोर्टिव था लेकिन अब अगेन राइट को देखो ट्रंप जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंप था वो भी आई थिंक ये राइट और लेफ्ट के इससे ऊपर ही है बिल्कुल क्योंकि वो राइट भी उसको पसंद नहीं करता रिपब्लिकन पार्टी में भी उसको कोई पसंद नहीं करता इस टाइम पर फॉर एग्जाम्पल हर कोई उससे लड़ा बैठा है
जो रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी बिग शॉट बनता है, तो ये भी नहीं कह कोई सकते भी ना उनके है। पास हाई लेवल इंटेलिजेंस ही है राइट के पास, जस्ट बिकॉज़ उस स्पीच को सपोर्ट कर रहे नहीं हैं। है, लेकिन मैंने ये जनरली देखा है कि टेंडेंसी रहती है राइट विंग वाले लोगों की, वो ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं। इसके पीछे मुझे रीजन लगता है ये हो सकता है कि राइट विंग इन जनरल टेंड्स टू बिलीव इन रिलीजन मोर, और जब धर्म जैसी चीज में आप बिलीफ रखते हो अपनी, तो वो एक बिलीफ होती है। आप एक तरह से ब्लाइंड बिलीव कर रहे हो अपने धर्म में या किसी भी सिस्टम में जो आज एग्जिस्ट करता है, या कोई भी ट्रेडिशन जो आप फॉलो करते हो। तो इसलिए उन लोगों की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो इस ब्लाइंड बिलीफ में ही जाएंगे, तो कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी क्वेश्चन ना करें उसमें। आई थिंक ये थोड़ा सा यू नो लाइक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्पेरेसी थियोरिस्ट होते हैं वो शायद इसके उल्टे होते हैं बिलीव करने वाले। हालांकि ध्रुव सही कह रहा है कि ज़्यादातर राइट विंग के लोग रिलीजियस होते हैं, और उसके पीछे ये है कि उनका जो पर्सनैलिटी होती है वो मोर टूवर्ड्स बिलीव की तरफ ओरिएंटेड होती है, मुकाबले की यू नो लाइक चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें या फिर यू नो लाइक क्रिटिकली देखें। बट जो लोग कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो इनफैक्ट जनरल नैरेटिव के अगेंस्ट जाके कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट बने होते हैं। जो एक एस्टैब्लिश नैरेटिव है सोसाइटी में, रेगुलर नैरेटिव है, उसके अगेंस्ट जाके वो कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट बने होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनका बिलीव पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे जिस पे मोस्टली लोग बिलीव कर रहे हैं। यही तो उनकी पिक्यूलियर चीज़ है उनके अंदर की, और कुछ पार्ट शायद उसमें उनके अंदर का पैरानोया भी प्ले करता है कि वो यू नो लाइक कुछ बिलीव नहीं करते। तो वो चीज़ शायद जब पैरानोइड पैरानोया के लेवल पे पहुंच जाती है कि उनको हर चीज़ से लगता है कि इससे ये खुद खतरा हो सकता है, इसके नहीं ये नेगेटिव असर हो सकते हैं, तो या रिजल्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ ट्रिगर करती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को। उनकी अथॉरिटी ने उन्हें बताई है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज, तो उसमें वो ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं। पर ज्यादातर कंस्पिरेसी थ्योरीज अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होती है। लाइक जो एग्जांपल मेरे दिमाग में, वो 9/11 का है, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा ठीक है, कि यू नो यूएस गवर्नमेंट हैज टोल्ड द वर्ल्ड कि 9/11 अलकायदा ने किया था, गॉट डन बाय ओसामा बिन लादेन, बट देन देयर आर कंस्पिरेसी थ्योरी कि नहीं ये यूएस ने कुछ करवाया था फॉर व्हाटएवर या फिर रीजन, मून लैंडिंग यूएस या फिर फेक मून लैंडिंग आया था, हाँ राइट, बिगेस्ट कंस्पिरेसी थ्योरी जो सो देन इट्स बेसिकली दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट अगेंस्ट अथॉरिटी, दे जस्ट डोंट लाइक अथॉरिटी। एनीवन लाइक दे टेक द साइड ऑफ वन अथॉरिटी एंड से इट अगेंस्ट अनदर समटाइम्स, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि द पीपल हु बिलीव इन दीज कंस्पिरेसी थ्योरीज आई फील लाइक दे आर मोर टेंडिंग टुवर्ड्स राइट विंग। यस, क्योंकि तुम्हें क्यों बताऊं, जो तुम्हारा मून लैंडिंग की थ्योरी है इज एक्चुअली नॉट अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, इज एक्चुअली अगेंस्ट नासा एंड ऑपरेशन पेपर क्लिप से उसको जोड़ देते हैं। वो ऑपरेशन पेपर को वो था ना, तुम्हारा नाजी था ना वर्नर, तुम्हारा जो भी नाम था उसका, जो नाजी इंसान को ये लोग साइंटिस्ट पकड़ के लाए थे, वो एक्चुअल में ऑपरेशन पेपर क्लिप ये था बेसिकली, वो साइंटिस्ट फाउंडेड नासा, तो नासा का हेड। ये सही बता रहा है कि जिस बंदे ने नासा फाउंड किया था वो नाजी था, बट ऑपरेशन पेपर क्लिप जस्ट उस एक बंदे के बारे में नहीं है। ऑपरेशन पेपर क्लिप था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को डिफीट कर दिया सोवियत यूनियन और यूएस ने मिलके, एलाइड ने मिलके, तो एक बहुत बड़ी होड़ लग गई कि उनके जो इंजीनियर्स और बहुत साइंटिस्ट जो हैं उनको आपस में स्नैच करने की और उनको अपने अपने काम के लिए यूज़ करने की, जो कि वो करते रहे बहुत बाद तक। एक बंदा है उसका नाम मेरे माइंड से निकल रहा है, उसके आई पैच लगा हुआ है, एक आंख उसकी ख़राब है, ऑटो शेट, ऑटो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम मैं भूल रहा हूँ, OTTO ऑटो एक जर्नल नेम होता है जैसे ऑटो बिस्मार्क, ऑटो हैंसी या समथिंग नाम था उस बंदे का। वो एक रशियन सॉरी एक जर्मन स्पाई था जो कि नाजी जर्मनी के लिए काम कर रहा था, और उसने फिर बाद में बहुत सारी कंट्री, फॉर एग्जांपल इजिप्ट वगैरह, इनके लिए बहुत सारे मिशंस किए इसी तरीके से। तो जो ये अमेरिका का जो ऑपरेशन था ना कि स्नैच करने वाला, जो ये काम के बंदे हैं वो उठाओ, थर्ड राइक के जो काम के बंदे हैं वो उठाओ जब उनको डिफीट कर दो उसके बाद, उसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। और यस, वो बंदा जिसने नासा फाउंड किया वो एक्चुअली में ओरिजिनली एक नाजी साइंटिस्ट ही था। एक्चुअल में एक नाजी था, सो यहाँ से वो जोड़ा ऑपरेशन पेपर क्लिप से उन्होंने नासा की, नासा पूरी रोग वो है ठीक है, ये लोग अच्छा तुम्हारे नाजी वाजी कर रहे, उन्होंने वो फेक किया, ये वो उसके पीछे ऐसी ऐसी कंस्पिरेसी दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारा। दूसरा तुम बता रहे हो 9/11 राइट,
9/11 का भी इनका कंस्पिरेसी। नहीं अब ये देखो ना, जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो इस ऑपरेशन पेपर क्लिप की वजह से नासा के अगेंस्ट है, क्योंकि नासा को फाउंड किया एक नाजी ने, तो यानी कि वो नाथसी के अगेंस्ट हैं, तो यानी कि वो राइट विंग कैसे हो गए फिर? तो वो लेफ्ट विंग हुए ना, अगर वो एंटी नाथसी हैं तो वो तो लेफ्ट विंग हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो राइट और लेफ्ट के डायनामिक से बाहर तीसरा ही किस्म का डायमेंशन में एग्जिस्ट हो रहे होते हैं। उनके आइडियाज ओवरलैप हो सकते हैं राइट या लेफ्ट से, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इंस्टेंसेस में। जो चल रही है आई डोंट नो अमेरिका की भी है, हाँ है, बट मुझे नहीं पता उसके पीछे का एंगल क्या है उनका, बिकॉज मैंने वो कभी इतने ढंग से पढ़ी नहीं कि यू नो व्हाट इज द पीछे का तुम्हारा जो डिनायर है उसका, क्योंकि इन सबके पीछे तो देखो कंस्पिरेसी थ्योरी में बहुत बड़ा एंगल होता है। जैसे क्यूएनॉन में तो था तुम्हारा ट्रंप आके बचाने वाला सबको, राइट, एक बहुत हाई हर हर एलिट किसी लेवल में का एक एंड बहुत बड़ा एक्टर होता है। जैसे ये जॉर्ज सोरोस वाली जो कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, इसमें जॉर्ज कि मरा एक सबसे बड़ा विलन है यहाँ पर जो बैठा है, हर किसी को कंट्रोल करने लग रहा है, सब सब चीजें उसी के हाथ में चलती हैं। हर कोई ट्वीट करता है वो भी उससे रिलेटेड है, कोई दूसरी कंट्री का एनजीओ कुछ करेगा वो भी उससे रिलेटेड है। बिकॉज जब वो ओवर ब्लो हो रहा है, एग्जैजरेट हो रहा है, तो उसको एग्जैजरेशन कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हैं। बट जॉर्ज सोरोस सही में लेफ्ट विंग के आइडियाज़ फंड करता है, वो ये खुद भी डिनाई नहीं करता इसको। आई मीन ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हो, जॉर्ज सोरोस खुद, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बट हाँ, जो इसको एग्जैजरेट करके बोलते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ स्कीम चल रही है, ये है वो है ना। कंस्पिरेसी थ्योरी ज्यादा मुझे लगता है देयर एन ओवर सिंपलीफिकेशन ना, अ वेरी बिग इवेंट जिसको आपकी समझ के बाहर है लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरी समझ के बाहर है या मैं उसको समझ नहीं सकता, सो आप प्रेफर करोगे बहुत ही सिंपलर, यू नो, इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लैट अर्थ थ्योरी, राइट, लाइक सही फ्लैट अर्थ बात है। थ्योरी। नहीं ऐसा नहीं है, कई बारी बहुत सिंपल चीजें भी सच होती हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक सिंपल चीज को एक कॉन्फ्लिक्ट आई मीन एक क्या कहेंगे उसे, कॉम्प्लेक्स चीज़ भी बना देती है। फॉर एग्जाम्पल मून लैंडिंग की फिक्र नहीं बात करें, ये एक सिंपल समझने के लिए चीज़ है कि हाँ हम गए मून पे, हमने लैंड किया क्योंकि स्पेस में एक्सप्लोर करना है, बट वो नहीं गए थे, उसके पीछे ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, वो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़। और वो क्यों करेंगे, उसके पीछे मोटिव भी क्या होगा ऐसा करने का, ये है। आई मीन दोनों साइड से देखा जा सकता है उसे। इन द शेप दैट वी नो तो फ्लैट है, और अगर एक्चुअली आप एंड में जाओगे तो देयर इज अ बॉल दैट इज यू विल फॉल फॉल ओवर, व्हिच आई गेस पीपल डोंट, इट्स डिफिकल्ट, लाइक आई गेस अगर आपको बताया नहीं जाए कि ये स्फेरिकल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी भी आम आदमी के लिए समझना कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है। सही बात तो पता है QAnon का, तुम्हारा अभी हाल ही में री सरफेस होने वाला है, जिसने जो भी इंसान है ना जो लीड किया था, जिसने QAnon कंस्पिरेसी थ्योरी की किताब भी लिखी हुई है, एंड जहां तक ये कह रहे हैं एक्चुअली एक जर्मन इंसान है जो QAnon का वो है जो भी करने वाला है, आई वाज लाइक वाओ एट द एंड कहां से निकला, कहां इंसान बैठा है, जर्मनी में जर्मन आदमी है, ट्रोल हो गया क्योंकि यार भाई, बेसिकली QAnon थ्योरी है सब तुम्हारी की बहुत सारी चीजें हॉलीवुड के ट्रोल अंदर ही या रन कर पूरा जो देते भी अमेरिका एलीट है, इसमें एक सीक्रेट पेडोफिलिया का गैंग चल रहा गैंग चल रहा है, रिंग इसमें भी चल रहा एलीट है, तुम्हारे जैसे एपस्टीन से सब कनेक्टेड है, और ये पीछे बहुत हाई लेवल का यू नो सिस्टम है बेसिकली हॉलीवुड और पॉलिटिक्स में। है। अच्छा ऐसा कहते हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त झूठ होता है ना उसमें कुछ एक परसेंट सच भी होता है। तो जो क्यूएनॉन वाली थ्योरी है, सही में पीडोफिलिया का रिंग चल रहा है, जेफरी एपस्टीन कौन था और किस किस के साथ उसकी फोटोज़ है, तो रिंग तो सही में चल रहा है, लेकिन हाँ उसके पीछे वो मसीहा वाला कोई सीन नहीं है। हाँ मी आई मीन 10% सच और 90% झूठ। और उसको तुम्हारा बेसिकली ट्रम्प फाइट कर रहा था, ये थी थ्योरी अकेले। ऐसी थ्योरीज, कैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बॉलीवुड में भी चलती हैं। हाँ वही मैं बोलने वाला था। अच्छा क्या है बॉलीवुड सिमिलर सी कि एक बड़ा सबका कोई गैंग है बॉलीवुड का, सबके अंदर ये चलता रहता है, ऐसी चीजें पेडोफिलिया चलती चलता है, है। कुछ भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बार बार सुनने को मिलती है। देखो यार मैंने तो कल भी कॉमन सेंस तुम्हें इतना बताएगा कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, पावर दुनिया की सबसे करप्टिंग चीज है, राइट, एक्सेस कोई दुनिया में हिस्ट्री है जिसने भी पढ़ी अपनी लाइफ में बताया, ना कोई मोनार्क था, ना कोई रूलर था, ना कोई ऐसा वो था जिसको जब एक्सेस मिली या पावर मिली एब्सोल्यूट, उसने कहा मैं अच्छा काम करूंगा या फिर मैं, लेकिन ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ये बताती हैं कि एक कोई नेट है इन सब लोगों का जो कलेक्टिवली काम करने लग रहे हैं सारे, आई अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन कलेक्टिवली यार, क्योंकि
ये लोग कलेक्टिवली एक क्लोज्ड इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर रखा है इन्होंने बॉलीवुड को, और ये इसके आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताने वाले, जो ये कहते हैं कि टैलेंट को कैसे ये लोग ब्लॉक कर देते हैं एक 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 लेवल के बाद। सारा का सारा कौन है, सुशांत सिंह राजपूत का सारा एपिसोड क्या हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ये भी तो था कि उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था बहुत तरीके के चीज़ों से, या फिर यू नो लाइक उसको समहाउ शन करते थे। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जब किसी आदमी के पास इतनी पावर है तो वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रखेगा, वो हमेशा इनके बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे लोग कलेक्टिवली एक नेट चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, और हर कोई उस ग्रुप का में बड़े पैशनेटली काम कर रहा है, उससे एग्री करता है जो भी ग्रुप करता है। मैं चलते तो हैं इनमें से यार, कोई, मैं से ऐसा नहीं हो बोलता सकता नहीं कि है बीच में, दुनिया के सारे मिलिटेंट ग्रुप चलते नेटवर्क ही उस उस पे। सिस्टम सिस्टमैटिक ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें कि सब यू नो एक अलग ही एक नो रोग ऑर्गेनाइजेशन है बॉलीवुड के अंदर जो कि ऑपरेट कर रही है। वो नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई वुड से कि 100% बिहाइंड द तुम्हारा सीन्स, यू नो लाइक तुम कुछ भी पढ़ लो यार, लाइफ में हमेशा सही रहा है तुम्हारा। ड्रग कार्टल में मिलेगा तुम्हें चीज, तुम्हें सब में मिलेगी। दो तीन लोग होते हैं टॉप में जिनके पास ये, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ना, मोनोपोलाइजेशन पेरेटोज पहली चीज, डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटलिज्म में भी कितनी भी कह लो, कैपिटलिज्म बहुत बड़ी चीज है। एट द एंड क्या होता है, कैपिटलिज्म में मोनोपोली आ जाती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, वो लोग उस पावर का मार्केट में इन्फ्लुएंस करके गेम ही पूरा चेंज कर देते हैं, इन द सेंस अब वो करप्ट गेम हो गया। तो क्या कहते यू हैं, नो एक क्रिप्टोक्रेसी चीज में या एट द पता नहीं एंड क्या कहते हायरार्की हैं बिल्ट उसको। होती है इंसानों में, जो ऊपर टॉप पे आएंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह लो, या फिर है ही वो एसहोल। इस बारे में जॉर्डन पीटरसन बहुत बात करता है कि हर किसी चीज़ में 10% ऑफ द ग्रुप बाकी 90% के जितनी प्रोडक्शन देगा और अर्न करेगा, और उस 10% में से जो 1% होगा वो बाकी के टॉप 10% का जो रेस्ट ऑफ द 9% है उसके जितना करेगा। तो ये एक पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ओवरऑल सिचुएशन में अप्लाई होता है। लेट्स जस्ट से दैट, एंड वो गेम फिर अपने हाथ में कंट्रोल करेंगे। राजा महाराजा भी करते थे, तुम्हारे राजा महाराजा में भी जैसे यूसर्पर जो हो गए, जो डायनेस्टिक वे आए उनके तो लग जाते थे इसलिए, जो लेकिन जो यूसर्प करते थे किंगडम, जिन्होंने गला काट के राज्य छीना है, वो तुम देखो और कितने रूथलेस होते थे। नहीं, और वो एक जब पेट आई पैर के नीचे औरंगजेब का एग्जाम्पल लो भाई, औरंगजेब जब से शिट। जिंदा था, रूथलेस यूसर्पर, ठीक है, अंग्रेजों को वो था यूजर पर, लेकिन वो था राजा का ही बेटा, तो इसलिए मैं काइंड ऑफ उसे ग्रांट दे रहा था। बट हाँ, उसने एग्जिस्टिंग राजा और जो बनने वाला राजा है दोनों को रास्ते से हटा के राज लिया था, ये बात ठीक है। बाहर रखा, पीटता था वो अंग्रेजों को। तो वो है ना, जो हमारे लिए हमारा जो काल है, क्योंकि हमारे लिए भी काल था वो, लेकिन वो हमारे दुश्मन के लिए भी काल था क्योंकि वो पैदा ही ऑप्रेसर हुआ है, पॉइंट है ना। तो जो लोग टॉप पे होते हैं ना, द थिंग इज दैट देयर सम रूथलेस अलग ही लेवल के काइंड ऑफ पीपल हु आर गुड। एक और ऐड कर देता हूँ, वो अपनी डायनेस्टी के लिए भी काली था, उसके बाद मुगलों का वो जहाँ मर्जी ले जाओ एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसने इतना लोगों को ख़राब कर दिया अपने प्रति, अपनी रिस्पेक्ट या अपनी अथॉरिटी को इतना गिरा लिया अपनी हरकतों की वजह से, कि जो लोग उसको प्रेज भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, उन लोगों से अपील है कि आप ये देखो, अगर वो इतना बहुत अच्छा या एक बहुत इफेक्टिव रूलर होता ना, तो उसके बाद के कितने मुगल्स के नाम याद है, बहादुर शाह जफर को छोड़ के कितने लोगों को, उसके बाद ना नोज डाइव लिया उसके एम्पायर ने, तो क्या कुछ किया होगा ना गड़बड़। कुछ रेयर लोग होते हैं लेकिन जो ऐसे नहीं होते, मैं कहूंगा जो टॉप पर प्लेटो जाकर उसको कहता भी है ऐसे नहीं फिलोसोफर किंग, होते। हाँ, मार्कस प्लेटो ऑरेलियस, उसको कहता है फिलोसोफर किंग, प्लेटो हाँ जो हाँ पर्सनालिटी कह रहे हो उसको कहता है कि बहुत मार्कस रेयरली ऑरेलियस के किसको बारे में होगा, पढ़े। जो आइडियल किंग जो फिलोसोफर कहता है जो होगा एग्जैक्टली वो फिलोसोफर किंग होगा, काइंड ऑफ जो अशोका। बिलियनियर्स बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, मतलब अपनी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ डोनेट कर देते हैं। एक बताओ जिसने की है एक्चुअल में, और तुम्हारे कागज में मैं भी प्रूफ है सोच रहा करी हूँ, है, और वो हालांकि चार टाटा ग्रुप फाउंडेशन नहीं बना दी उन्होंने चैरिटी के नाम पे, और वो उन्हीं की बनी हुई फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन में पैसा चला गया, लेकिन तो पता नहीं वो पैसा फाउंडेशन के बाद कहाँ गया। मैं प्रॉब्लम हालांकि प्रॉब्लम टाटा पता है ग्रुप क्या है, सच में खुद सोच कुछ कर अच्छे देखो, काम अगर आप करता है। बिल गेट्स की जगह होते और आपके पास यहाँ पे इतने बिलियंस हैं, 50 बिलियन डॉलर, और फिर सोचते हो कि चलो मुझे पैसे डोनेट करने हैं, कहाँ से शुरुआत करोगे उसकी, कहाँ से शुरू करूंगा मैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करूं 1 बिलियन, तो क्या होगा इस 1 बिलियन डोनेट करने से, क्या उसका इफेक्ट पहुंचेगा कहीं पर ऑन ग्राउंड लेवल पर। तो उसलिए मुझे लगता है फाउंडेशन बनानी बहुत जरूरी है कि एक टीम बैठे लोगों की, और वो टीम डिसाइड करे कि मेरे पैसे का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि बिल गेट्स ये करता है, वो जेन्युइनली मदद करना चाहता है लोगों को।
आई थिंक इन प्रिंसिपल करना चाहता है, आई थिंक इन आइडिएशन वो करना चाहता है. आई थिंक उस इंसान के अंदर एक सेंट्रल बिलीव ये है जरूर कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मेरे पास बहुत पावर है जो कि रियलिटीज है. हाँ अब स्मार्टनेस मुझे नहीं पता क्योंकि जिसने बिल गेट्स की एक्चुअल स्टोरी पूरी पता है, यस ही वाज अ वेरी स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, बट यू नो माल मारा है दूसरों का, लेकिन उसके लिए भी स्मार्टनेस तो चाहिए ही होती है यार. लाइक आप हरामी भी थे, तेज हरामी बंदा, यस वही स्मार्टनेस है. आप हरामी थे, दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट आज है जो है. इट्स नॉट लाइक खरीद लेता था वो जो भी, प्योरली एक इन्वेंटर थे आपने, खुद से सब कुछ किया, यू नो यू इन्वेंटेड दिस थिंग. एंड ना 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 उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी ये थी भाई, जो भी उठने लगता था ना उसके आगे उसको ही खरीद लेता था. यू हैड टू स्टील टू बिकम व्हाट यू वर. सो एनीवे यहां तक जहां तक मुझे बात आती है, आई एम प्रीटी श्योर ऑब्वियसली बिल गेट्स जितनी भी चीजें कर रहा है, राइट, जिसकी इसकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चीजों में है, आई एम प्रीटी श्योर देयर इज एन अटेम्प्ट टू कि यू नो मेरे को अब अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है फॉर गुड कॉजेस. आई थिंक सरफेस में देयर इज, बट आई डोंट बिलीव, कहते हैं ना चीजें वो दो नंबर काम नहीं करते होंगे. जब आप लेयर्स के अंदर जाते जाते हो, आई डोंट रियली बाय द होल. जहां तक मेरे को लगता है कि मैं 100% ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से मैं पहले अच्छा इंसान नहीं हुआ करता था, जो कि उसकी मुझे डॉक्यूमेंट्री सिखा रही थी, जो नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आई है. मैं जब छोटा यंग था मैं बहुत हरामी था, मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे, फिर मेरी मम्मी की डेथ हो गई और फिर मैं अच्छा इंसान बन गया. नो ब्रो, लाइक कॉम्प्लेक्स है, तुम हरामी थे. नहीं वो कभी फिल्मिंग करते हो थोड़े कम हरामी, स्टोरी लाइन तो क्रिएट करनी पड़ेगी. ये तो अक्सर कहा ही जाता है कि कोई मूवी बनानी है तो उसमें थोड़ा एग्जैजरेशन करना ही पड़ता है, एक स्टोरी लाइन बनानी पड़ती है जिससे कि लोग एंगेज हो उसमें. पता है कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स ब्रेक मिलते होंगे उसको उस फाउंडेशन के बेस पे. हो सकता है कि वो आज जिस भी टाइप का बंदा है उसके खुद के ओपिनियंस होंगे, वो उसे खुद लगता होगा कि अच्छा मेरा ध्यान है कि मैं एनवायरनमेंट कॉजेस में ज्यादा डोनेट करूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ऑब्वियसली वो अपनी फाउंडेशन को कहेगा कि मैं यहाँ पर ज्यादा पैसे डोनेट करूंगा. ऐसे ही जॉर्ज सोरोस के साथ भी है, उसका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो ओपनली राइट विंग लोगों के अगेंस्ट है. वो अपनी फाउंडेशन को कहता है कि जहां जहां राइट विंग लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे डोनेट किए जा सकते हैं मैं वहां कोशिश करूंगा पूरी की कोई भी फैसले. उसका रीजन भी है ना, वो हंगेरियन ज्यू है बेसिकली, और जितना ही पीड़न या कत्लेआम या फिर जो भी सलूक जी उसके साथ पोलैंड में हुआ था, वही सेम सलूक हंगरी में भी हुआ था, शायद थोड़ा हाई लेवल पे ही हुआ था या थोड़े से और एक्सपेंडेड लेवल पे हुआ था. तो वो उस वाले ग्रुप से जो बच के आए हुए हैं, होलोकॉस्ट से बच के आए हुए हैं, उस ग्रुप में से है और जोश ग्रुप से है. जिस लोग उभर के ना आए उसी सेंस में. एंड जो दिल का ओरिजिनल पॉइंट था, यू नो कि लाइक ये सब सक्सेसफुल लोग हैं ना, जॉर्ज और बिल गेट्स, दे डेफिनेटली थिंक दैट दे नो बेटर देन मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डोनेटिंग इज कि द प्रोसेस पूरा डिसेंट्रलाइज हो जाए, कि वो अपनी सारी वेल्थ दे दे और लोग डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए. दे थिंक दैट दे नो बेस्ट, तो इसलिए वो फिर भी कंट्रोल रखेंगे ना पूरा, रखेंगे वो तो. हाँ चाहे वो कोई भी बोर्ड हो और वो कुछ भी हो, पर आई एम श्योर दे हैव अ वेरी स्ट्रांग से कि उनके पैसे के साथ क्या हो. और वो उनके खुद के ओपिनियंस पे डिपेंड करेगा, वो जिस भी टाइप की बिलीफ रखते हैं और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता. मतलब उस सेंस से कहो तो हाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मतलब, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से जहाँ पैसे को भेज. नहीं उस तरीके का कोई अपैरेटस एग्जिस्ट भी नहीं करता कि आप पब्लिक को पैसे दे दो. पब्लिक को आप कैसे दोगे पैसे, कैसे मतलब फिजिकली गड्डियां लाला के दोगे पब्लिक में, कौन है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यू नो लाइक उस चीज़ के लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना. कुछ ना कुछ आपको हर काम किसी ना किसी फ्रेमवर्क में करना होता है या किसी स्ट्रक्चर के अंदर करना होता है. वो है ही नहीं कोई उस तरीके का, कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस में उस तरीके का कोई सिस्टम. भेजना चाहते हैं भेजेंगे, बट वही बात है ना, ऑफकोर्स वो तो इंसान हो गया, राइट, कि मैं हूँ, मेरा मन है लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल पे पैसा लगाने के अपने देश के, तो मैं वहाँ डोनेट करूँ, मेरा प्रायोरिटी मेरा कॉज हो गया पर्सनल जिससे मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ. बट अदर देन दैट, जैसे तुम्हें पता है फेसबुक वाले का मार्क जुकरबर्ग का भी बच्चा हुआ था जब छोटा बच्चा, राइट, तो उसने कहा था अपनी सारी हम बच्चे के लिए सारी वेल्थ डोनेट कर देंगे. अच्छा थिंग इज, हाँ तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी. तो मैं एक चीज़ देखूँ, बड़ा दो नंबर है, वेरी इसमें बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है क्योंकि ये स्टेटमेंट का मतलब वो होता ही नहीं जो ये बोल रहे हैं, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग की उसने उस स्टेटमेंट अगर वो आएगा पूरा आर्टिकल पढ़ो तो देखा कि हम धीरे धीरे अपनी सारी वेल्थ अब डोनेशन में एक प्रोग्रेसिव टाइम के हिसाब से देते चले हैं. अच्छा मार्क जुकरबर्ग की वेल्थ अगर तुम स्टडी करो उस टाइम से लेके अभी तक वो पता नहीं कितनी बढ़ चुकी है.
और उन्होंने जो गिव आउट किया उसका तुम्हें एक्चुअल में कुछ नहीं मिलेगा, वो मैं वही बता रहा हूँ, वो कुछ फाउंडेशंस जो कि इन्हीं की कंपनी, जो कहते हैं ना कि लाइफ में अगर जानना हो ना मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे बढ़िया स्कीम क्या होती है, कोई भी कम चीज का नाम देखो उसके एंड में फाउंडेशन लगाओ, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। अगर तुम देखो कि तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग जितनी भी स्कीम चल रही होगी उसमें सबसे ज्यादा वर्ड जो रिपीटेडली आएगा वो है इस फाउंडेशन पैसा है, इधर से फाउंडेशन है, क्योंकि आप बहुत ईजी होता है यू नो अपने पैसे को फाउंडेशन के थ्रू, वो तो है, वो तो डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट में नहीं। टैक्स ब्रेक जो मिलता है एक्चुअली में करप्शन भी करना चाहते हैं वो लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक है लूपहोल। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ज़करबर्ग भाई क्या हमारे और उनकी ट्रस्ट, भाभी और उनके बच्चे के, उसके से पैसा तो उधर लेफ्ट राइट बहुत गया फाउंडेशन में, लेकिन ये आता है कि उस फाउंडेशन का पैसा कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। एंड दैट्स द थिंग कि तुमने फाउंडेशन बनाई कितना पैसा उसको तुमने टैक्स के पर्पस से कर डाला, इधर उधर करके तुमने दिखा दिया चैरिटी में चला गया, वो तुम्हारा, तुम बस फाउंडेशन पे फाउंडेशन बनाते चले जाओ, अपना पैसा इधर उधर डालते चले जाओ, तुम्हारा पैसा बस डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेकिन वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी फाउंडेशन में ही है। तो बात ये आती है कि तुम चैरिटी वैरिटी कर भी रहे हो या कह भी रहे हो कहाँ हो रही है, कहाँ डाल रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा गेज के जैसे तुम्हारा। हालांकि इन फाउंडेशंस का ऑडिट होता है कि नहीं होता ये एक सोचने वाली बात है। अरे हो गए, इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी, मलेरिया के लिए इंडिया में किया था, वो किया था, तो सब चीजें एट द एंड फेल हो गई राइट, पानी में जो पाउच वाला डाला था उसके बाद में रिसर्चेस में बात नहीं, पोलियो के लिए यू नो एक्चुअली पोलियो वाला उनका वो सक्सेसफुल था, पोलियो के लिए भी उन्होंने काफी काम किया है, गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और अलग मुझे ढंग से मुझे नहीं पता बट वो चीजें इसलिए जितने भी प्रोग्राम से बंद करने पड़े क्योंकि उसके रिजल्ट जो निकल रहे थे लॉन्ग टर्म वो खराब निकल रहे थे। पर व्हिच आई विल आल्सो से इज प्रोग्रेस, रिजल्ट खराब निकले थे व्हिच इज स्टिल लाइक लोगों को पता चला कि कम से कम खराब निकले, अवेयरनेस। सो मे बी दैट्स आई थिंक वही बात आती है ना कि मे बी ये बात भी सही है तुम्हारी, ट्रू ट्रू ट्रू, बट मेरे को आई डोंट नो बिकॉज बिलियनेयर चैरिटी पता है बहुत स्केरी चीज लगती है। I don't believe, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी लोगों के सर के ऊपर कुचल करके चलने से जो आज वो पावर उसने कतरे थैनोस हैं ये लोग मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोच भाई या सॉरी मोहन मोहक मोहन मोहक भाई या ध्रुव, सोच भाई एक रीजन है तुम और मैं और ये हम लोग बिलियनर नहीं है। समझ रहे हो, हर कोई नहीं बन जाता, बहुत अलग ही ब्रीड ऑफ इंसान आपको बनना पड़ेगा टू बी एबल टू मेक चॉइसेस जो आपको स्काई रॉकेट रिफ्लेक्शन भाई कहेंगे कभी। You know, accidental billionaires होते हैं, without a doubt, right? आपने एक ऐप बनाई, आपको पता नहीं था, it fucking blew up आज की दुनिया में, and you just like just Snapchat जैसे हो गया, I'm pretty sure. मैं argue करूँगा कि most of them accidentally होते हैं. Twitter. मैं ये कहूँगा कि most of them accidental. Silicon Valley वाले. हाँ, Silicon Valley वाले. जो actually में stock market में पैसे investors होते हैं, Warren Buffett की तरह, वो मैं कहूँगा उस level के होते हैं कि वो accidental. मैं hedge fund billionaires की बात कर रहा हूँ. मैं ट्रेडिशनली जो बिलियनर हैं अगर तुम सिंपल लिस्ट चेक करोगे तो हमारे सिलिकॉन वैली बिलियनर्स भी आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक एक दो डेकेड्स में आना शुरू हुए हैं और उससे भी हाई लेवल पे होते हैं वो वाले बिलियनर जो ऑयल या इस तरीके की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि आपको लिटरली एक मूवी है देयर विल बी ब्लड, डैनियल डे लुइस की, एंड में उस मूवी के उसको दिखाया कि वो एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियनर ऑयल बैरन है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करता है ना, वो मूवी देखना है यार अगर आपने नहीं देखी तो, बेस्ट मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। मैं बिलियनर्स बात कर रहा हूं जिनकी वेल्थ फैमिली से इनहेरिटेड है, जो कि समझ गए ना, हां तो उसके पीछे फिर रीजन वही है कि वो फैमिली से इनहेरिटेड वेल्थ चलती आ रही है, वो फैमिली कुचल के सर पे चढ़ चढ़ के ऑफ मेनी थिंग्स बनी है जहां पे आई है, इस बॉटम पे जब उनकी आप स्टोरी देखते हो तो लोग बिजनेस बिहाइंड यू नो पीकी ब्लाइंडर्स देख लो फॉर एग्जांपल, ऑयल जितने दीस आर लाइक उसके बाद इवन तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ चलो सिलिकॉन वैली तुम्हारा बिलियनर भी हो गया बिल गेट्स एंड ये सब, लाइक आई डोंट नो यार, तुम्हारा जॉर्ज सोरोस है ना जिसने तुम्हारा पाउंड मैनिपुलेट करके बिलियनर बना था, वो करेंसी मैनिपुलेशन से राइट, ये जो लोग स्टॉक मार्केट से भाई ध्रुव को मत बोल उसके हीरोज हैं वो, अभी अभी तो वो उनकी तारीफ कर रहा था शिट क्या था ना उसने पाउंड को शायद से मुझे पता नहीं उसके बारे में, हां इसने पाउंड को शॉर्ट किया था और एक रात में, ये इन्वेस्टर ही ब्रोकर है, इन्वेस्टर ही है भाई, इन्वेस्टर है, हां हां डेफिनेटली, यस हां इसने शॉर्ट किया और ये बहुत जल्दी बिलियनर बना, स्टॉक मार्केट में पैसे को कंपनीज में इन्वेस्ट करके मैनिपुलेट करके जो बनते हैं, तो ये रूथलेसनेस वाली कैटेगरी में आएगा, मैं शॉर्टिंग इज रूथलेसनेस ब्रो, हां डेफिनेटली, एनी टाइप ऑफ शॉर्टिंग इज द मोस्ट रूथलेस, तुम बेसिकली इन्वॉल्विंग स्टॉक मार्केट में तो कहूंगा रूथलेसनेस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को इन्वॉल्व करके अगर आप बिलियनर बनते हो तो मैं अपने हार्डवर्क से नहीं बन रहे हो, नहीं
ये थोड़ा सा इसमें नुआंस है। अगेन देखो क्या होता है, कोई भी छोटी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो, और अगर वो अच्छा कर रही होती है, तो उसको एक बड़े लेवल पे फटने के लिए पैसे चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा। और कई सारी कंपनीज ये रास्ता लेती हैं कि वो पब्लिक हो जाती हैं और शेयर्स फ्लोट करती हैं अपने, ताकि उनको फंडिंग ले सके वो पब्लिक से, ठीक है, ताकि उनके पास अ बिग अमाउंट ऑफ मनी आए और वो अपने ऑपरेशंस को बड़ा कर सके और अपनी सर्विसेज को। बिजनेस बनते ही इस तरीके से हैं, जो जाइंट बिजनेस होते हैं वो बनते ही ऐसे हैं। इस ये एक तरीका है बिजनेस को फाइनेंस करने का, तो ये एब्सोल्यूटली गलत चीज़ नहीं है। इसको एक, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही इसको एक ब्रॉड ब्रश से पेंट करके नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। हाँ, शॉर्टिंग ज़रूर हम आप कह सकते हो कि रूथलेस है। उसका रीज़न ये है कि शॉर्टिंग में आप बैट कर रहे होते हो कि कोई डूबेगा और उस तरफ ट्राई लगा रहे होते हो कि वो डूबेगा। शॉर्टिंग को मैंने देखा है, बहुत लोगों ने समझाया हुआ है। एक ट्रिकी सा प्रोसेस है समझाने के लिए, कभी बात करेंगे तो मैं भी बता सकता हूँ उस पर। क्योंकि तुम अगर सिंपल यह बल्कि बता ही देते हैं, आप उधार लेते हो शॉर्टिंग में एक्चुअली अ बंच ऑफ शेयर, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो कि ये, जैसे मान लो आप ए कंपनी का शेयर सोच रहे हो कि ये डूबेगा, ठीक है, आपने सोच के रखा है वो डूबेगा, और आप उसके 10,000 शेयर खरीद लेते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। 10,000 शेयर आपने खरीद के अब आपने सिर्फ किसी से उधार लिए 10,000 शेयर, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज से आपने 10,000 शेयर उधार लिए, अभी आपने पैसे नहीं पे किए एक्सचेंज को, ठीक है। वो शेयर आप लेते हो और बेच देते हो आगे, ठीक है। एक डॉलर का शेयर था, आप सोच रहे हो नीचे जाएगा, तो आपके पास 10,000 डॉलर आ गए। अब आपको 10,000 डॉलर आपके पास आ गए, आपने शेयर बेच दिए, अब आपको क्या देना है एक्सचेंज को, सिर्फ शेयर, ठीक है, 10,000। अब आप सोच रहे हो गिर जाएगा, अगले दिन ये हाफ रेट में हो जाएगा, अगले दिन वो हाफ रेट का हो गया, आपने दोबारा वही शेयर 10 खरीद लिए। अब आपने वो जो हाफ रेट का हुआ था वो 10,000 शेयर आपने 50 सेंट का हो जाएगा, तो आप 5,000 में खरीद लोगे, और 5,000 में आप उसको खरीद के शेयर वापस दे दोगे, तो आपके कितने पैसे बने, आपको 10,000 मिले थे बेच के कल, और आज आपने 5,000 में खरीदा और उसका भी लोन चुका दिया, शेयर्स वापस चुका दिए, 5,000 बच गए आपके पास। ये होती है शॉर्टिंग। स्टॉक खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म, आई डोंट नो, लाइक वॉरेन बफे 13 साल से शुरू हो गया, अब मुझे नहीं पता मैनिपुलेशन या स्टॉक मैनिपुलेशन है यू नो, क्योंकि एक होता है जो हेज फंड कर रहे हैं काम, दैट इज नॉट ट्रेडिंग, राइट, देयर अरे इज हेज शॉर्ट फंड का तो भाई ग्राम बड़ा पे सीन शॉर्टिंग है। होता है, स्क्वीज होता है, ये होता है, दे आर डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ट्रेडिंग जो नहीं कर रहे। आई थिंक मोहक वुड नो मोर अबाउट दिस, राइट? बट अदर देन दैट, लाइक इस पे बात मैं तो करेंगे बस यार ये कहूंगा किसने, कि ये लाइक बहुत हम बात इंटरेस्टिंग कर रहे टॉपिक हैं है, यू नो वन हमारे ऑफ माय मॉडर्न डे फेवरेट टॉपिक्स मोनार्क्स की, दीज आर किंग्स एंड क्वींस, राइट? एंड हमने जहां तक है आई डोंट थिंक एक भी दिन जिया है इन देयर शूज, सो आई डोंट नो यार, मेरे को एक मोनार्क के हेड स्पेस पे जिसकी लाइफ की रियलिटी हमारे रियलिटी का उसको भनक भी नहीं लगने वाली क्या होगी, जिसके पास यू नो जिसकी जो मुझे नहीं पता, लाइक आई डोंट थिंक ही वुड बी लाइक मैं पैसे देने वाला हूँ टू यू नो, एक बड़ी सिंपलीफाइड जो हमें अच्छा लगता है ना यहाँ पे मैं नहीं दे सेवरी रहा भाई पैसे वैसे, कहा कहावत जो होगी कि ये अपना सारा पैसा देते हो कितना भला आदमी है, ये फीलिंग जो हमें बेची आती है ना, आई डोंट बिलीव दैट फीलिंग, आई गेस कुछ लेवल तक मुझे लगता है हो भी सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब इतने पैसे आपके पास होते हैं तब खुशी आपको कब मिलती है, जब अपने पैसों को बांटते हो, जब और आई एग्री, खुश करते हो, आई एग्री, तो ये उस तो सारे सेंस ग्रंथ में, स्पिरिट तुम्हारे स्क्रिप्चर सब में लिखा हुआ है ना, तो हाँ, तो उस सेंस में हो सकता है कि वो बिलियनियर्स अपनी अंदर की खुशी के लिए ये करते हो। पर लाइक टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, लाइक अगेन वेल्थ इज कंप्लीटली रिलेटिव ना, तो अभी हम पैसे बिलियनियर्स की बात कर रहे हैं, और जो हम लोगों की वेल्थ है, आई एम श्योर दैट्स लाइक इक्विवेलेंट टू अ बिलियन डॉलर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे इंडिया में वो लोग अगर जो एकदम बॉटम ऑफ द लैडर है वो भी हमारे बारे में यही बोल सकते हैं, हम भी तो डोनेट कर सकते हैं। सही बात है, पर यहाँ भी मैं बिलियनियर्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस बिलियनियर के लेवल पर भी ब्लैक एंड अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तुम अगर बिलियनियर को डिफेंड करने लग गए तुम्हारा लेफ्टिस्ट टैग मिट जाएगा भाई। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल वो एक इंडिविजुअल्स है एट द एंड, इसलिए ये बोलना जरूरी था। अपनी सोच है, कुछ पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ का नहीं है उतना ज्यादा इंटरेस्ट, कुछ रूथलेस है कुछ नहीं है। यार पैसों में इंटरेस्ट तो होगा ही ना यार, यार जो बंदा बिजनेस मैन है उसका पैसे में इंटरेस्ट नहीं होगा, प्लीज यार ध्रुव। बट अल्ट्रा रिच वही होता जिसका पैसा नंबर वन प्रायोरिटी होगी लाइफ, वरना बिलियनर जैसे एग्जैक्टली यही नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये, क्योंकि
कि कुछ लोग जो बन गए हैं रिच बहुत जल्दी से, कि मतलब उन्होंने कंपनी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, तो मुश्किल है कहना कि वो क्या बनना चाहते थे इस लेवल तक रिच या बाय आई थिंक चांस बन गए। द बनना पर्सनालिटी चाहते टाइप थे भाई, दैट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप। बनना चाहते थे। उसका रीज़न ये है कि वो ऐप बनाना जो चाहते थे ना, उसके पीछे ही ये रीज़न था कि वो एक कंपनी बन, ऐप कौन बनाएगा जिसको एक बड़ी कंपनी बनानी होगी उस ऐप से, और जिसको बड़ी कंपनी बनानी होगी उसको पैसा तो चाहिए होगा ना यार। वॉलंटियर नहीं कर रहा ना वो। सो दैट्स अ पर्सनालिटी टाइप दैट लाइक्स टू विन। नाउ यस विन दो एग्जैक्टली फैक्टर कर सकते हैं बाय नॉट जस्ट मॉनेटरी। सो दे आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर मनी, कभी बिकॉज़ अगर पावर किसी पास 5 मिलियन आ प्रेस्टीज। गया तब पर्सन अगर जो मनी के लिए कर रहा है वुड बी लाइक आई हैव इनफ, 500 मिलियन इज आल्सो इनफ, राइट? बट दे कीप उनका गोइंग, फैक्टर मोर सो होता है कि भाई की पर्सनालिटी टाइप है कि मुझे हर रोज जीतना है। जीतना पावर सो इट्स अ चाहिए। गेम। सो वो एवरी सिंगल डे तुम्हारे स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, एवरी सिंगल डे अपने काम पे जा रहे हैं, एवरी सिंगल डे उन्होंने नई चीज, जैसे जेफ बेजोस हो गया दोस्त, अमेज़न कर दी, ठीक है भाई, उसके बाद तुम्हारे स्पेस कंपनी स्टार्ट कर दी, ब्लू ओरिजिन, उसके बाद उसने ड्रोन से, लाइक दे उनको रुकना नहीं है। और अमेज़न डेटा सर्विसेज जो है ना, वो है उसकी सबसे बड़ी कंपनी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में पढ़ो। वो तो है, जेफ बेजोस मैं कहूंगा वैसे उस कैटेगरी में आता है जो बिल्कुल ही रूथलेस है, जिन्हें है ना बिल्कुल वो? डोनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हाँ यार, वो उस बंदे से थोड़ा डर उसके लगता काम से ही दिखता है ये कि वो कितना मतलब केयर करता है इन चीजों के। बट आई थिंक जहां तक, अब अगेन तूने वो शो देखा, आई डोंट नो, इट्स मे बी अ वेरी स्टूपिड वे ऑफ पुटिंग इट, वो शो है यार द बॉयज अमेज़न पे, देखा है द बॉयज? नहीं नहीं देखा देखा, तूने? नहीं देखा। पॉइंट मेरा ये ना, जहां तक मेरे को याद है कि मैं दुनिया में जितनी तुम पावर अटैच करते जाओगे किसी भी सोर्स यानी कि इंसान के पीछे, मैं ये बिलीव करता हूँ वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है द अमाउंट ऑफ अ पीआर भी मुझे मिलने वाली है उस इंसान से। तो ध्रुव द रीजन वाई तुम्हारी अभी पीआर बहुत स्ट्रांग नहीं है, दिमाग उड़ा देने वाली, तो अभी इतने पावरफुल नहीं हो कंपेयर टू, अब तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंपेयर टू मे बी द पीपल यू आर अप अगेंस्ट, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है तुम कौन हो, ऐसे सोचो। मैं एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रियलिटी पॉइंट ऑफ बात कर रहा हूँ, मोह की तुमसे भी कम है, मेरी तुम दोनों से कम है। लेकिन जहां तुम बॉलीवुड पे आ गए वो हम तीनों से ऊपर हैं, उनकी पीआर में दम है। वो तो है हाँ। अब वही बॉलीवुड के हल्के से ऊपर चले जाओ, शाहरुख खान की बेटी की पीआर, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी उसकी पीआर तक। अच्छा सब्जेक्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, और ये अच्छा टाइम हुआ ब्रेक लेने का। थोड़ा लेट हो गया आई थिंक, आज के लिए इनफ रहेगा। कॉन्वर्सेशन में सही में मज़ा आ रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।